नमस्कार दोस्तों, ग्रीन न्यूज़ में आपका स्वागत है। ग्रीनों की इस यात्रा में अभी हम आए हैं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में जो आगामी सत्र है 2022-23 का, एडमिशन की प्रक्रिया भी चल रही है। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जुलाई में अलग अलग जो संकायें हैं उसके लिए परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। इस सत्र में ऐसा देखा जा रहा है कि पिछले सत्र के तुलना में और भी अधिक बच्चे एडमिशन लेने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। साथ ही क्या नया बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले समय में और क्या कुछ नए प्रयोग किए जा रहे हैं, इसके बारे में आज विस्तार से बातचीत करेंगे। हम लोग गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा जी के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रेड न्यूज में। आपका मेरा पहला सवाल आपसे ही है, ग्रेटर नोएडा के बारे में आपकी क्या राय है? एक ग्रेटर नोएडा जो शहर है, इसके बारे में आपका क्या सोच है? देखिए, ग्रेटर नोएडा एक हम कहें तो पूरे हिंदुस्तान में एक सबसे वेल प्लान्ड शहर है। यदि कोई देश में अच्छा प्लान्ड सिटी कहें तो चंडीगढ़ का नाम आता है, जहाँ की मैंने 5 साल गुजारा है, मैं वहाँ भी रहा हूँ। मगर ग्रेटर नोएडा में आता हूँ तो हमें लग रहा है कि ग्रेटर नोएडा में एक मोर मॉडर्न एंड मोर वेल प्लान्ड सिटी के रूप में है। जी बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर इस सत्र में ऐसा देखा जा रहा है कि जो आने वाला सत्र 22-23 में शुरू होगा, उसे देखते हुए काफ़ी बच्चे जो है एडमिशन में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उनकी रुझान दिख रही है, तो किस तरीके से जीबीयू की तैयारी है और क्या कुछ नया इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इस बार? देखिए, जीबीयू का कैंपस जो है एक बहुत ही सुंदर और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित है। जैसे यहाँ बड़े बड़े ऑडिटोरियम, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, ये सब तो पहले से ही था। एंड मुझे जो इसके सृजन किए हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और नोएडा अथॉरिटी, उनका जो विजन था ऐसा यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, उन्हें मैं इसका धन्यवाद देता हूँ। अब रहा कि इसमें जो शिक्षाएँ हो रही हैं, जिस संकाय में पढ़ाई हो रही है, उसमें लोगों का रुचि कैसे बढ़े जी, तो ये रुचि बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कई प्रयास लिए। एक तो इंडस्ट्रियल कोलाबोरेशन जी, नए नए टेक्नोलॉजी में, उसके बारे में हम लोगों ने कई लैब स्थापित करना यहाँ शुरू किया। जैसे एग्जाम्पल है, विगत 1 से 2 महीने में हमारे संस्थान में स्कूल ऑफ ICT है, वहाँ हमने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ड्रोन टेक्नोलॉजी शुरू की जी। और ये हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो ड्रोन के कंपनी वाले हैं उन्होंने लैब बनाया और हमारे इंथुजिस्टिक स्टूडेंट्स और हमारे फैकल्टी उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। तो आज हमारे पास एक अच्छा ड्रोन टेक्नोलॉजी का लैब है। हम लोग कई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोर्स इसमें शुरू कर रहे हैं। ऐसी अभी हमने हाल में इंटरनेशनल कोलाबोरेशंस पे भी ध्यान दिया और हम जो है जापानीज लैंग्वेज एंड कल्चर में जापानीज कंपनी के सहयोग से 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा शुरू कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे पास साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में मेंटल हेल्थ और लर्निंग डिसेबिलिटी जिन चाइल्ड है उनके लिए भी एक स्पेशल सेंटर की व्यवस्था कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि कई जो इंटरनेशनल कंपनी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, रोबोटिक्स में, ऑटोमोबाइल्स में, उनके R&D सेंटर GBU कैंपस में बनेंगे। तो ये सब जो हमारा प्रयास है, जो कि विगत 3-4 महीने में हम लोग ने किया है, तो इससे आने वाली पीढ़ी जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं, ये सब न्यूज़ पढ़ते हैं और हमारा वेबसाइट देखते हैं, तो हमें लगता है इससे वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसलिए ज़्यादा संख्या में लोग अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि सबसे पहला ना, जो एक आजकल के बच्चों में पढ़ने की तो एक क्षमता है, वो है कि भाई कैसा इंस्टीट्यूट है, बट हमारे यहाँ ये सब जो फैसिलिटीज है, इंडोर गेम की फैसिलिटीज, ये वर्ल्ड क्लास है। हिंदुस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, क्रिकेट ऑडिटोरियम, हॉकी ऑडिटोरियम, तो ये सब जो है न्यू जनरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, यंग जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स, दे आर अट्रैक्टेड ऑन इट।
बिल्कुल, ये सच्चाई है। मैं भी कहना चाहूँगा कि जीबीयू का जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको एक और आकर्षित जरूर करता है। मेरा अगला सवाल आपसे सर, और बहुत कॉमन सवाल है आज का ये, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, मैं आपसे खास करके इसको दो तरह से समझना चाहूँगा। आपका लंबा अनुभव रहा है, दशकों का अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का, शोध संस्थानों के साथ भी आपने काम किया मिलकर, कई और अन्य देशों में जा करके भी आपने काम किया है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है हमारी एनईपी, कितना रिलेवेंट है आज के समय के अकॉर्डिंग, और हमारे जीबीयू में इसका इम्प्लीमेंटेशन का स्टेटस क्या है वर्तमान में? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी सही समय पे देश में आया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ तो क्या है ना, बाउंड्री ऑफ डिसिप्लिन्स बंद हो गए। जैसे साइंस और इंजीनियरिंग में कोई भेदभाव नहीं रह गया। पहले क्या होता था कि जो साइंस पढ़ा उसको ह्यूमैनिटीज पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, मगर ये देखा गया कि ये उनके रुचि के अनुसार सब्जेक्ट मिले। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये प्रोविजन प्रोवाइड कर रहा है कि एक साथ आप मल्टीपल डिसिप्लिन में पढ़ सकते हैं। भले आप इंजीनियरिंग में हैं मगर आपको ह्यूमैनिटीज के कोर्स भी कर सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो हुआ है ना, उसमें बाउंड्री घट गया कि हायर लेवल पे सभी को किसी भी सब्जेक्ट से आप उसमें जा सकते हैं। तो ये एक अच्छी पहल है, रुझान भी लोगों का है, और ये डिसिप्लिन की बाउंड्री और कोई क्रिएट नहीं किया था, शिक्षाविद लोग ही क्रिएट किए थे। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू शिक्षाविद ही अब ये समझ गए हैं कि ये बाउंड्री ना बना के मिक्सिंग ऑफ द आइडियाज और हर एक सब्जेक्ट का ज्ञान की ज़रूरत है। तो हम लोग उस पहल में जा रहे हैं। स्टेटस क्या है इम्प्लीमेंटेशन का? हमारे संस्थान में जो एडमिशन नोटिस हो गया है, तो हम लोग ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जिसको हम बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स कहेंगे, तो वो बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च करके 4 ईयर्स का प्रोविजन किया गया है। दैट इज हम 3 साल में बीए ऑनर्स, 4 साल में बीए ऑनर्स विथ रिसर्च, जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रोविजन दिया है, उसी बेसिस से हम एडमिशन करवाएंगे। तो हम पूर्णतः आगामी सत्र से न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपने अंडर ग्रेजुएट कैरिकुलम में इम्प्लीमेंट करने की तैयारी कर चुके हैं। मतलब चरणबद्ध तरीके से, जिस तरीके से जो संभव होगा, स्टेप बाय सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे सर ये होगा कि ग्रेटर नोएडा के जो लोग हैं, दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं, काफ़ी उम्मीद भरी नज़रों से जीबीयू की तरफ देखते हैं। वो जब आते हैं तो काफ़ी आकर्षित होकर जाते हैं विश्वविद्यालय से। तो जो युवा यहाँ एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो युवा आना चाहते हैं, उनके लिए विशेष कोई संदेश आपके तरफ से? देखिए, जीबीयू जो था एक है हमारे नियम के अनुसार पूर्णतः एक रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट है। तो पर्टिकुलरली जो ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, उनके परिवार वाले और बच्चे चाहते हैं कि हम घर में भी रहें और जीबीयू में पढ़ने का आनंद भी लें। तो हम लोगों ने इस बार ये निर्णय लिया है कि जो स्टूडेंट्स बीए, बीएससी और वगैरह सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, यदि वो चाहते हैं कि हॉस्टल में ना रहें, तो उसका प्रोविजन भी हम लोगों ने किया है। क्योंकि हमारा संस्थान जो बना है ना, ये सोशली और इकोनॉमिकली लोअर स्टेटा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, और उनकी सुविधाओं के लिए हम लोगों ने ये संकल्प लिया। और उनके ओर से कई रिक्वेस्ट भी आते थे कि भाई हम हॉस्टल में नहीं रहें और यहाँ पढ़ना चाहें, क्योंकि हॉस्टल में रहने से थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है एजुकेशन का। तो उस सुविधाओं का भी हम लोगों ने अगले सत्र से ध्यान में रखा है कि कंपलसरी नहीं है रहना, ये हम लोगों ने शुरू किया है। तो हमें उम्मीद है इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विद्यार्थियों को ज़्यादा मौका मिलेगा यहाँ पढ़ने के लिए, और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और नोएडा अथॉरिटी जिस तमन्ना से और जिस इच्छा से इस यूनिवर्सिटी को बनाई है, उसका फल यहाँ के विद्यार्थियों को प्राप्त होगा।
बिल्कुल ये बिल्कुल आपने रोचक बातें बताई सर, क्योंकि पहले बच्चों का ये चिंता होता था कि जीबी में एडमिशन लेंगे तो हॉस्टल लेना होगा, रहना होगा, तो ये बच्चों के लिए जो है काफ़ी बेहद ही बेहतर संदेश है। इसी तरीके से आप जुड़े रहें ग्रीन न्यूज के साथ। सर आपने व्यस्त समय में से हमें बातचीत के लिए समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहें ग्रीन न्यूज के साथ, समय समय पर जीबीयू से जुड़ी हुई तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।